साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। वाराणसी के जवाहर नगर स्थित पीएम जनसंपर्क पर प्रमोशन में आरक्षण की बहाली को लेकर सरदार सेना का हल्ला बोल। 6 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर है सरदार सेना। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। पीएच का लगभग 2 लाख का पूरा होता था, 15 गुना बढ़ा दिया गया है, 30 लाख। क्या कोई ओबीसी एससी का बच्चा, एसटी का बच्चा डॉक्टर बनेगा? कोई सुनिए, मोदी हटाओ हम जेल चलेंगे, जेल चलेंगे, जेल चलेंगे, जेल। डॉक्टर साहब को डॉक्टर हम लड़ा दे हमारे भाई, अभी कुछ बोलेंगे हम लोग। विवेक यादव जी समाजवादी पार्टी से लगातार जन जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप लिखित दिखाइए ना, आप लिखित दिखाइए ना कि हम अपने हैं। नहीं दिया जाएगा, ये लिखित आप दे दीजिए। अरे भैया डॉक्टर साहब, हमको अंदर चलना है, आप लिखित दे दें सर। आप दे दीजिए कि हमें ध्यान देते हुए नहीं है, आप लिख के दे दीजिए ना, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, आप सांसद प्रतिनिधियों से बात करने की, क्या हमने वोट दिया, हमें अनुमति नहीं है क्या? 5 लोग नहीं सर भैया, अरे सांसद प्रतिनिधि बैठा है, लेकर पटेल हम अपने सांसद प्रतिनिधि को 5 मिनट बात करके जाएंगे। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 5 मिनट हम ज्ञापन दे करके चर्चा करके तब लौटेंगे, और 5 लोग हम लोग 2-4 लोग आके वहाँ नहीं दिया जाता है कोई। अरे भाई, तो बैरियर का मतलब हम कांग्रेस से बात करने आए हैं, हम अपने सांसद से बात करने आए हैं, सांसद नहीं है तो उनका कोई न कोई कार्यालय है, उनसे बात करेंगे। आने नहीं दे रहा है, हम चाहे तो सांसद सुने भाई, हम चाहे वो सुने हैं, जनता को बिना सांसद हम बिना हिटलर का आप लिखित दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, चलेंगे हम पूरा बनारस जाम हो जाएगा। आप लोग बनारस को छेड़ रहे हैं बस। पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार सेना के नेतृत्व में सैकड़ों सामाजिक संगठन सांसदों को का कार्यालय घेराव करके उन्हें अपनी बात रखने और 6 सूत्री मांग को लेकर के उनको सदन में उठाने के लिए प्रदेश व्यापी 6 सूत्री मांग पत्र अपने सांसदों को सौंपने के लिए सरदार सेना के हजारों कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्यालयों के पास निकले हैं। उसी क्रम में आज बनारस के संसदीय कार्यालय, मोदी जी के संसदीय कार्यालय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
माननीय भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल जी छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं, बनारस के हजारों सरदार सेना के कार्यकर्ताओं की नेतृत्व करने आए हैं। क्या मांगे हैं आप? छह सूत्री मांग है, आपको बता दें। पहला मांग, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ों, दलितों, वंचितों का प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। हम वो मांग करने आए हैं कि हमारे लोग प्रमोशन के माध्यम से पूरे वंचितों की बात रख पाते थे, तो हमारी आरक्षण को बहाल करो। दूसरा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओवरलैपिंग बंद कर दिया गया, मतलब 10% आबादी वालों को 51% नौकरी और 90% आबादी वालों को केवल 49% समेटा है, इसको बहाल करो। हमें हमारी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व चाहिए। तीसरा है, एनपीआर नहीं, हमें राष्ट्रीय जातिगत जनगणना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय जाति जनगणना करा करके देश के लोगों की कितनी जातियां हैं, समस्त जातियों की जनगणना हो जाएगी तो सबको हक मिल जाएगा। चौथा, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग का मांग है, चूंकि दलितों, पिछड़ों, वंचितों और मुसलमानों का हक ज्यादातर न्यायालयों से मारा जा रहा है, तो न्यायालय में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बनाओ और आबादी के अनुसार चपरासी से लेकर जज तक हमारी भागीदारी सुनिश्चित करो। पांचवा है, देश के सभी सरकारी संस्थानों अथवा अर्ध सरकारी संस्थानों में हमारे वर्ग के आबादी के अनुसार हमारी भागीदारी सुनिश्चित करो। और छठवां है, वंचित वर्ग के अधिकारों का हनन देश के संविधान बनने के बाद से लेकर 1950 से लेकर आज तक लगातार हर विभागों में हुआ है। हमारा मांग है कि हर विभागों में पहले वंचित वर्गों की आबादी के अनुसार बैकलॉग जारी करो, उसके बाद नई नियुक्ति की बात करो। 3 महीने के अंदर यदि संसद में कानून बना करके संविधान के 9वीं अनुसूची में ये 6 बातें नहीं डाली गई, तो 3 महीने बाद पूरे देश के सांसदों का घेराव, पूरे देश के लोग सड़क पे उतरेंगे और देश में दूसरा महा आंदोलन होगा और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने सरदार सेना आई है। माननीय नंद कुमार बघेल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन खड़ा होगा। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पिताजी नंद कुमार बघेल जी से आप लोग बात करें। आज सरदार सेना की नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री। अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर आर एस पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना सामाजिक संगठन। मुख्यमंत्री जो 19 तारीख से जनता से मिलना बदल निकले गए हैं, जनता को रोक दे रहा है। 5 लोगों से सांसद से मिलना बदल निकले भैया, हम क्या अपना दे बजाती प्रतिनिधि से बात करेंगे कि हमारे ये मुद्दे हैं, आप इस पर संसद में मोदी जी से बात पहुँचाइए। अरे तो इनको यहाँ रखेंगे, 5 लोग चले गए, आप आए भाई, हम एक बार नहीं बार बार आते हैं, कह तो रहा हूँ कि हमें 5 लोग और मुद्दे दीजिए जाने को। काहे को दीजिए भैया, भाई 5 लोगों से हमें अपने सांसद प्रतिनिधि से बात करने को यदि आप नहीं देंगे तो कैसा लोकतंत्र यार? हमने वोट दिया, हम अपने सांसद प्रतिनिधि से बात न करें, ऐसी तानाशाही यार, ये तो हिटलर शाही है। हम 5 लोग चलेंगे, चलेंगे चलेंगे थे 5 लोग अंदर, हम बात करेंगे 5 लोग अंदर चलेंगे, बात करेंगे तो पूरा बनार सवाल आप काहे जाम कराना चाहते भाई? हम आपका सहयोग करने आए हैं, हम आपका सहयोग करने आए हैं। आप बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसको हटाओ। दूसरा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इन लोगों ने ओवरलैपिंग खत्म कर दिया, तत्काल ओवरलैपिंग बहाल करो, जाति जनगणना कराओ। चौथा है, जुडिशरी में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जातीय जनगणना कराकर वर्ग के आबादी के अनुसार प्रतिनिधि स्थापित करो। और पांचवा है कि पूरे देश में 1950 से लेके अब तक जिन जिन विभागों में वंचितों का हकमारी हुआ है, बैकलॉग वैकेंसी जारी करो, तब नई नियुक्ति पास करो। और छठवां है, एनपीआर नहीं, जाति जनगणना कराओ। ये 6 सूत्री बात करने हम अपने सांसद से आए हैं। पूरे प्रदेश में सरदार सेना के लोग अपने सांसदों का के यहाँ जाकर के अपनी बात आज रख रहे हैं। उसी क्रम में
सरदार सेना के लोग, हजारों लोग भूपेश बघेल बाबू जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पिताजी के नेतृत्व में आज मोदी के कार्यालय तक आए हैं बात रखने। और बनारस की पुलिस मोदी के कार्यालय नहीं जाने दे रही है, पांच लोगों को भी बात करने नहीं दे रही है। तो जब तक बात नहीं होगी हम लड़ाई आर या पार लड़ेंगे, हिटलर ताई के आगे नहीं झुकेंगे। अरे सीएम साहब के कायदे वाले सांसद जी का देवे का काम करता है, देना चपाती का देना पहुँचाया जाएगा। नहीं नहीं ये कौन सी नियम, हम सांसद ही लाए के बोल रहे हैं, हम अपना क्या कुछ हरकत नहीं नहीं देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसद जी के प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि लोग हैं वहाँ कार्यालय से देखे, पांच जने के लिए आपके पास समय नहीं दिलवाना है, जाएंगे और अपना ज्ञापन दे के आएंगे। भाई कोई उनका विधायक सांसद अपना पर्चे बता दे तो पूरे देश में किसानों का आंदोलन, होम पार्टी का आंदोलन हम कर रहे हैं, चला रहे हैं और उनको अधिकार देना चाहिए। एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी मुसलमानों को भी हम साथ में लेकर चलेंगे और उसकी एकता अंधेरा में सुनी थे ना, अरे अजोरा में सुनी थी, मोदी को हटाएंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मोदी को हटा करके फिर से चार साल वो राज्य काम करे और उसी के लिए हर लोकसभा सांसदों को हम मिलना चाहते हैं और मोदी को बीजेपी हटा दे और लाल कृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष बना दे तो काम सब बन सकता है। ठीक घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा सिंह साहब, अब आपकी बात हो गई और हम आपका सुन रहे हैं, अब आगे आप मेरा भी सुन लेगा। ठीक सर, तीन महीने